लेफ्टिनेंट मुदिता, आप बताइए कि आप क्योंकि इस बार मार्चिंग कंटिजेंट का हिस्सा हैं, किस तरह से आपके जो हम लोग जानते हैं आप पीएटआई पर तैनात रहते हैं और अभी जो एक ऑपरेशन हुआ जिसमें पीएटआई के भी हिस्सा हुआ, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑफिसर के लिए? मैं ये नहीं कहूँगा विमेन के लिए, मैन के लिए। हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज की तरह ही होता है, लेकिन हर दिन के चैलेंज के लिए हम प्रिपेयर भी रहते हैं। हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, उत्साह रहता है हमें कि कब एक नई चीज़ आए और हम हमारे देश का नाम रोशन करें, हम हमारा मिशन अकम्प्लिश करें। हमारा जो मोटो है, मिशन असाइन मिशन अकम्प्लिश। जब असाइन, जैसे ही असाइन होता है हमें अकम्प्लिश करके आना ही है। माई एयरक्राफ्ट हैज़ बीन प्रूविंग टू बी एन एसेट इन सर्विलेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन फ्रॉम लास्ट 10 years. इट हैज़ क्रॉस्ड 50,000 hours. वी आर मार्किंग 50,000 फ्लाइंग आवर्स ऑफ पीएटआई दिस ईयर। अभी जो हाल में जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक सोमालियन शिप बोट जो था उसने हाईजैक करने की कोशिश की थी, किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ और किस तरह से आपके पीएटआई ने उसमें भूमिका निभाई? हमारा जो पीएटआई एयरक्राफ्ट है, हमारे दो स्क्वाड्रन्स है, एक रजाली चेन्नई में है और एक गोवा में है। तो ईस्टर्न साइड हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, हमारा चेन्नई सर्विलेंस पीएटआई चेन्नई वाला स्क्वाड्रन करता है, और वेस्टर्न साइड हमारा अरेबियन सी वाला, हमारा गोवा का स्क्वाड्रन INS 316 कॉन्डोर्स करता है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम कहीं जा नहीं सकते। वी हैव एन एंड्योरेंस ऑफ 9 hours 30 minutes. सो वी कीप ऑन सर्विलेंसिंग, वी कीप ऑन आर सर्विलेंस 24/7 ऑन। और हम लोग हमेशा एक कोई भी कॉल के लिए, डिस्ट्रेस कॉल अगर हमें आया है तो वी हैव ऑलवेज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस विच इज हैपेंड। उसके पहले भी एक क्लेम प्लूटो करके मर्चेंट वेसल के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, एक मर्चेंट वेसल रूइन था, फिर अभी मर्चेंट वेसल लीला नॉर्फोक के ऊपर जो अटैक हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारे एंटी पायरेसी जो ऑपरेशंस है उनके ऊपर फर्स्ट रिस्पॉन्ड करके उन लोगों को सेव किया है। और एंटी पायरेसी नहीं बोलूंगी मैं, हम हर तरह के मिशन के लिए बिल्कुल केपेबल हैं और हम उनको अकम्प्लिश भी करते हैं, आए हैं। थैंक यू।